तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू कहां से करना है मेरे को वो भी समझ नहीं आ रहा है, तो शुरू करने के लिए हाउ अबाउट मैं अपनी जर्नी आपके सामने रखता हूं, कुछ कुछ बातें बताता हूं, बीच बीच में वहां पे कुछ स्टोरीज निकल के आएंगी एंड देन उसके बाद में हम कुछ क्यू एंड एस करेंगे बीच में। अगर आपके पास कोई सवाल है पूछने के लिए किसी को, उनसे बात करनी है डायरेक्ट। बहुत सर रेज 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 हैंड्स जिसके पास में सवाल है। बढ़िया है ना, तीन लोग हैं बस, उसके अलावा कोई सवाल नहीं पूछने वाला है। तो हम कुछ भी करेंगे उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे सेशन आगे मूव करता है बेस्ड ऑन आपका रिस्पांस क्या रहता है। मैं अपने आप की जो टॉक है उसको मॉनिटर कर लूंगा आपको बिना मालूम चले, मैं पहले ही उसको मालूम है कि कहाँ पे डाइवर्ट कर रहा था वो कर लूंगा। तो यार यहाँ पर तो सीन ये होता है कि आई एम लाइक यू ओनली, जैसा आप बैठे हो मैं 5 साल पहले 6 साल पहले यही था, अभी मैं 26 साल का हूँ और आप मेरे ख्याल से 18-20-22-21 साल के हो। तो पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग करी, और उससे पहले जो इंजीनियरिंग की तरफ जाना हुआ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो जेन्युइनली इंजीनियरिंग करना चाहते थे और वो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं? प्लीज दिल मतलब दिल से बोलना है, अगर लगता है कि मैं नहीं इस चीज के लिए हूं तो अपना हाथ मत खड़ा करो। तो आई कैन सी ऑलमोस्ट लाइक 30% एवं से। तो यहाँ पे ना मेरा फैसला जो था वो आप ही की तरह था, अदरवाइज मैं नहीं करता इंजीनियरिंग। और ऐसे में बचपन से जब मैं स्कूल में गया तो उस टाइम पे कंप्यूटर्स मिल गया मेरे को फर्स्ट स्टैंडर्ड में, और इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड व्हेन नो वी वर यूजिंग कंप्यूटर्स, तो उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का इतना अच्छा नहीं होता है, तो हमें कंप्यूटर पे दो लोग बैठ के शेयरिंग में काम कर रहे हैं। और जब शेयरिंग में काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे मैम ने क्या किया, क्लास में आके बोर्ड पे प्रोग्राम लिख दिया लोगो और बेसिक लैंग्वेज हम आगे उस टाइम पे काम लेते थे। उस टाइम पे प्रोग्राम क्या था कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ स्क्वायर, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ ट्रायंगल ऑन द स्क्रीन। और उस टाइम पे कंप्यूटर्स में ना तो माउस है हमारे पास में, जो सिस्टम है वो कंप्लीटली डॉस बेस्ड है, तो वहां पे ना कुछ ग्राफिक्स है ना कुछ आइकन्स है, हमको वो 10 लाइन का MBA के लिए अगर मैं जाऊंगा, मैं वहां पे अगर 8-8 साल पढ़ के भी आ गया, देन व्हाट, मतलब व्हाट चेंज विल इट ब्रिंग इन मी? ठीक है आई विल गेट सम ग्रेट नॉलेज, लेकिन क्योंकि घर पे ऑलरेडी बिजनेस था, इन लोगों को सुनी सम अदर स्टफ, तो लोगों को लगा कि यार वो जो चीज ऑलरेडी मेरे चारों तरफ है। अब आज एक ठेले पे अगर कोई इंसान आलू बेचता है तो उसको मालूम है कि आलू के 2 ढेर लगाने 10 रुपए के लिए 12 रुपए किलो शादी दोनों को मिक्स कर देगा और दोनों मिक्स निकल जाएगा, बेसिक थिंग, उसको MBA का रूल नहीं। तो मतलब अगर मैं MBA के लिए ठीक है तो सेक ऑफ इट, आज अगर मैं 6 महीने पढ़ाई कर लिया, बाद में जाके वापस से स्टूडेंट लाइफ में आ गया, वापस से असाइनमेंट्स, वापस से क्लासेस, प्रोजेक्ट्स, और MBA के बाद में क्या करूंगा? उसके बाद की गारंटी है, उसके बाद में क्या करूंगा? जॉब या बिजनेस, उसके बाद कोई पढ़ाई बाकी रहेगी। तो अगर उस टाइम भी मैं बिजनेस करूँ तो ना आज करूँ MBA का तो नॉलेज मैं सीख लूंगा, लोगों से सजेशन दे लूंगा, लेकिन व्हाई नॉट स्टार्ट समथिंग, मैं 2 साल बात करूँ मैं आज स्टार्ट करूँ। तो ये जब आइडिया आया तो आई ड्रॉप द प्रिपरेशन, मैंने MBA का प्रिपरेशन पूरा छोड़ दिया एंड अभी टाइम था कुछ करने का, कुछ रियल करने का, जहां पे मैं बाजार में बैठ के पैसा कमा रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, किसी की जेब से पैसा निकालना सबसे मुश्किल काम है। आप किसी को गिफ्ट करो वो मिट्टी भी लोगे मिट्टी भी ले लेगा, लेकिन अगर बात करो तो 1 रुपया निकालेंगे 1 रुपया निकालना भी बहुत बड़ी बात है। और जो बिजनेस चल रहा था हमारी फैमिली में वो बिजनेस था कम्प्लीटली नॉन टेक्निकल, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं चावल, चीनी, स्टेशनरी, परफ्यूम, सब इन सब की ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे काम चल रहा है। अभी मुझे लगता है कि यार इससे मेरा इंटरेस्ट क्या, और अगर मैं कल से चावल बेचना स्टार्ट कर दूंगा, इंडिया से चावल आया, ईरान में चावल गया, तो उसमें मेरा बीटेक एमटेक कहां, ये चीजें कहां काम आ रही है। तो लगा कि कुछ समथिंग शुड बी रिलेटेड जिसमें मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट है। पैसा तो कमा लूंगा, पैसा कमाने से थोड़ा बिग डील, पैसा तो आप किसी भी काम में कमा सकते हो बिल्कुल, लेकिन अगर आप खुद का कुछ ऐसा इंटरेस्ट वाला काम करते हो जिसमें आपको पैसा भी मिले, आपको फ्रीडम भी मिले, आप खुश होकर काम कर पाओ, तो दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो उस चीज की हंट में लगा रहा और दुबई में कि यार हमें मार्केट में क्या स्कोप है, क्या हम नया कर सकते हैं, या तो नया छोड़ो एटलीस्ट कुछ ऐसा कर सकते हैं जो मुझे पसंद आ जाए। तो उसके लिए आई जॉइन द दुबई पुलिस अकेडमी एंड वहां पे मैंने सर्टिफिकेशन लिया एज अ सिक्योरिटी सिस्टम इंजीनियर। तो मैं वहां पे बन गया बाद में दुबई पुलिस सर्टिफाइड सिक्योरिटी सिस्टम इंजीनियर। और क्योंकि वहां पे अभी एक्सपो 2020 दुबई में होने वाला था, उसके भी रिजल्ट आ गया था कि जो दुबई है वो होस्ट करेगा एक्सपो 2020, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम बूम पे था, तो नए नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। बीच में जो रिसेंट था वहाँ पे काफी डाउन हो गया, लेकिन अभी के टाइम पे जो मार्केट था एकदम पीक पे था, तो नए नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं। और क्योंकि वहाँ पे जो रेगुलेशंस है वो कुछ ऐसे हैं कि मास्टर्स कर रहा था उस टाइम, बीच में एक बार दोबारा आइडिया था पीक पे गया था, मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला क्लासमेट्स से कि यार चलो एक काम करते हैं ना, अपन मिलकर एक यूनिकॉर्न स्टार्ट करते हैं। ये बात है 2012-2013 की, कि यार चैनल स्टार्ट करेंगे, अपन 3-4 लोग हैं, एक कैमरामैन मिल जाएगा, एडिटिंग तेरे को आती है तो बढ़िया करने का, मैं बोल दूंगा, या फिर ऐसा करके चैनल स्टार्ट करेंगे तो मेरे को हो नहीं पाया, अगर होता तो उस टाइम हो जाता। बट अभी जब मैं अपने में एक ब्लैंक जो है वो महसूस कर रहा था, उस टाइम मुझे लगा कि यार नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट यूट्यूब एज़ वेल, बिकॉज़ यूट्यूब विल नॉट टेक एनी इन्वेस्टमेंट, बेसिक सा काम है, एज अ हॉबी डेवलप कर सकता हूँ, और एटलीस्ट इससे मेरे को संतुष्टि मिल जाएगी कि मैं लोगों से बात कर पाऊंगा, मैं उनके सामने अपनी बात रख पाऊंगा, अपनी फ्रस्ट्रेशन वीडियोज में दिखा पाऊंगा। बिकॉज इन इंडिया आई थॉट लाइक उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि यार देयर इज अ बिग वॉइड, अगर आप बात करते हो टेक्नोलॉजी की, कि लोगों के पास में एक तो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है,
कई बार जो मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है स्पेशली टेक के फील्ड में, एंड देन इंग्लिश कम्स एज अ बिग बिग बैरियर कि अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आप हिंदी में पढ़ लो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको टेक पढ़ना है इट हैज टू बी इन इंग्लिश, आप बिना इंग्लिश के नहीं पढ़ सकते, एंड इंग्लिश जस्ट एज अ वे टू एक्सप्रेस, उसके अलावा इंग्लिश में कुछ नहीं है ना, आप जो सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो ओनली दैट पार्ट इज इंग्लिश, बाकी तो बात आप हिंदी में भी कर सकते हो. तो आई थॉट कि व्हाई नॉट स्टार्ट समथिंग इन हिंदी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक चैनल देखा जहां पे हिंदी यूज करके जो चीजें वो बोली है, तो मुझे लगा कि यार व्हाई नॉट आई स्टार्ट समथिंग इन हिंदी जहां पे मतलब मैं एकदम डेमोंस्ट्रेट एक्सप्लेन करूंगा सम ऑफ माय नॉलेज दैट आई हैव एक्वायर्ड, अगर मैं उसको इजी लैंग्वेज बना के कन्वे कर देता हूं तो द मार्केट इज ह्यूज. इंडिया में कितने स्टूडेंट्स हैं और साइंस तो सबको पढ़नी होती है बाय डिफॉल्ट, और 12th के बाद में इंजीनियरिंग वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, आज नहीं मिलेगा तो वो कल कभी नहीं आएगा. तो आई शुड हैव माय इन्वेंटरी रेडी ताकि अगर कोई आता है बंदा तो उसको वीडियोस मिले, उसको कंटेंट मिले. तो डेली एक वीडियो के हिसाब से मैंने स्टार्ट कर दिया, एंड मैं रूटीन वाज समथिंग कि जहां पे जब मैं सुबह उठता था उस टाइम पे व्हाइल आई वाज टेकिंग माय शावर मैं सोचता था कि यार आज का वीडियो किस टॉपिक बनेगा, मतलब नो प्री प्लानिंग, ऐसा नहीं है कि मैं उसके ऊपर टाइम लगा दूं. मैंने सुबह नहाते टाइम सोचा कि यार आज वीडियो किस टॉपिक पे अच्छा है, चार आइडियाज हैं, एक के बारे में मेरे को अच्छा अच्छा आता है पूरा पूरा आता है, दूसरे वाले के बारे में आता तो है लेकिन इमोशनली ऑडिटेड हो रहा है उसको प्रेशर करना पड़ेगा, या तीसरे जो है वो मार्केट में भी हॉट चल रहा है या फिर पब्लिक की डिमांड इस चीज की, तो मतलब उन तीन चार आइडियाज में से कोई ना कोई एक आइडिया फाइनलाइज हो गया 10 मिनट के अंदर नहाते नहाते. बाहर जब मैं निकला ऑफिस के लिए उससे पहले जब रेडी हुआ तो अपने मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा से सामने 150 रुपए का ट्राइपॉड लगा के मैं शूट कर रहा हूँ. नाउ दिस इज अगेन एन इंटरेस्टिंग पॉइंट जहां पे मैंने यूट्यूब में आज तक चवन्नी भी इन्वेस्ट नहीं किया, जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो. क्यों नहीं इन्वेस्ट किया, इसका एक रीजन है कि लाइक भाई मैं बिजनेस मैन हूं, मेरे को मालूम है कि मैं अपनी मेहनत की कमाई या मैं अपना जो पैसा जहां पे मैंने जेन्युइनली अच्छा वाला काम करके पैसा बनाया है वो पैसा मैं दांव पे कैसे लगा लूं, और दांव पे भी यूट्यूब पे मेरे सिर्फ शौक के लिए, जबकि रिटर्न मेरे को गारंटी नहीं है. आज अगर 50,000 का 1,00,000 का कैमरा खरीद के चैनल स्टार्ट करता हूँ तो आई विल ऑलवेज लुक फॉर दैट 1,00,000 रिटर्न, कि वो 1,00,000 मेरे को वापस कब मिलेंगे, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट जीरो है तो जो भी आ रहा है वो सब रिटर्न भी तो आ रहा है. तो मैंने अपने मोबाइल फोन से स्टार्ट किया और वीडियो बनाना स्टार्ट किया और डेली सुबह एक वीडियो बन रहा है एंड टिल डेट एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन वीडियो ना आया हो. ये बात है अक्टूबर 2015 से लेके आज तक की, ऑलमोस्ट 2 साल 2 महीने, एंड सिंस ऑलमोस्ट लास्ट अक्टूबर मतलब 1 साल 2 महीने दिन के 2 वीडियोज आते हैं, और अभी जब मैं सुबह यहाँ पे आया हूँ तो वीडियो बना के आया हूँ, यहाँ से जाऊँ तो रात वीडियो भी बना लूंगा. नाउ दिस रूटीन इज काइंड ऑफ फूड, मतलब लेट्स से कि MBA के लिए अगर मैं जाऊंगा, मैं वहां पे अगर 1.5 साल पढ़ के भी आ गया, then what? मतलब what change will it bring in me? ठीक है, I'll get some great knowledge, लेकिन क्योंकि घर पे already business था, you know, doing some other stuff, तो लोगों को लगा कि यार वो जो चीज ऑलरेडी मेरे चारों तरफ है. अब आज एक ठेले पे अगर कोई इंसान आलू बेचता है तो उसको मालूम है कि आलू के 2 ढेर लगाने 10 रुपए के लिए 12 रुपए किलो और शादी दोनों को मिक्स कर देगा और दोनों मिक्स निकल जाएगा, that's pretty basic thing. उसको MBA का रोल नहीं है. तो मतलब अगर मैं MBA के लिए ठीक है, तो सेक ऑफ इट आज अगर मैं 6 महीने पढ़ाई कर लिया, बाद में जाके वापस से स्टूडेंट लाइफ में आ गया, वापस से असाइनमेंट, वापस से क्लासेस, प्रोजेक्ट्स, और MBA के बाद में भी क्या करूंगा, उसके बाद की गारंटी है, उसके बाद में क्या करूंगा, जॉब या बिजनेस, उसके बाद कोई पढ़ाई बाकी रहेगी. तो अगर उस टाइम भी मैं बिजनेस करूँ तो ना आज MBA का नॉलेज मैं कुछ सीख लूंगा, लोगों से सजेशन दे लूंगा, लेकिन व्हाई नॉट स्टार्ट समथिंग जो मैं 2 साल बाद में करूंगा, आज स्टार्ट कर दूं. तो ये जब आइडिया आया तो आई ड्रॉप द प्रिपरेशन, मैंने MBA का प्रिपरेशन पूरा छोड़ दिया, एंड अभी टाइम था कुछ करने का, कुछ रियल करने का, जहां पे मैं बाजार में बैठ के पैसा कमा रहा हूँ. एंड ट्रस्ट मी, किसी की जेब से पैसा निकालना सबसे मुश्किल काम है. आप किसी को गिफ्ट करो वो मिट्टी भी दोगे ना, मिट्टी भी ले लेगा, लेकिन अगर बात करें तो 1 रुपया निकालेंगे तो 1 रुपया निकालना बहुत बड़ी बात है. और जो बिजनेस चल रहा था मेरी फैमिली में वो बिजनेस था कम्प्लीटली नॉन टेक्निकल, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं चावल, चीनी, स्टेशनरी, परफ्यूम, सब इन सब की ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे काम चल रहे हैं. अभी मुझे लगता है कि इससे मेरा इंटरेस्ट क्या, और अगर मैं कल से चावल बेचना स्टार्ट कर दूंगा, इंडिया से चावल आया, ईरान में चावल गया, तो उसमें मेरा बीटेक एमटेक कहां, ये चीजें कहां काम आ रही है. तो लगा कि कुछ समथिंग शुड बी रिलेटेड जिसमें मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट है. पैसा तो कमा लूंगा, पैसा कमाने से थोड़ा बिग डील, पैसा तो आप किसी भी काम में कमा सकते हो आज के, लेकिन अगर आप खुद का कुछ ऐसा इंटरेस्ट वाला काम करते हो जिसमें आपको पैसा भी मिले, आपको फ्रीडम भी मिले, आप खुश होकर काम कर पाओ, तो दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन. तो उस चीज की हंट में लगा रहा और दुबई में रहता था कि यार हमें मार्केट में क्या स्कोप है, क्या हम नया कर सकते हैं, या फिर नया छोड़ो एटलीस्ट कुछ ऐसा कर सकते हैं जो मुझे पसंद आ जाए. तो उसके लिए आई जॉइन द दुबई पुलिस अकेडमी, एंड वहां पे मैंने सर्टिफिकेशन लिया एज अ सिक्योरिटी सिस्टम इंजीनियर. तो मैं वहां पे बन गया बाद में दुबई पुलिस सर्टिफाइड सिक्योरिटी सिस्टम इंजीनियर. और क्योंकि वहां पे अभी एक्सपो 2020 दुबई में होने वाला था, उस टाइम रिजल्ट आ गया था कि जो दुबई है वो होस्ट करेगा एक्सपो 2020, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम बूम पे था, तो नए नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं. बीच में तो रिसेंट था, वहाँ पे काफी डाउन हो गया था, लेकिन अभी के टाइम पे जो मार्केट था एकदम पीक पे था, तो नए नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, और क्योंकि वहाँ पे जो रेगुलेशंस हैं वो कुछ ऐसे हैं कि
मास्टर्स कर रहा था उस समय, बीच में एक बार दोबारा आइडिया मतलब पीक पे गया था, मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला, क्लासमेट्स से, कि यार चलो एक काम करते हैं ना, अपन मिलके यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं। ये बात है 2012-2013 की, कि यार चैनल स्टार्ट करेंगे, अपन 3-4 लोग हैं, एक कैमरामैन मिल जाएगा, एडिटिंग तेरे को आती है तो बढ़िया कर लेगा, मैं बोल दूंगा, या फिर ऐसा करके चैनल स्टार्ट करेंगे, तो मेरे को हो नहीं पाया। अगर होता तो आपका उस टाइम से हो जाता। बट अभी जब मैं अपने में एक ब्लैंक जो है वो महसूस कर रहा था, उस टाइम मुझे लगा कि यार नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट यूट्यूब एज वेल, बिकॉज यूट्यूब विल नॉट टेक एनी इन्वेस्टमेंट। बेसिक सा काम है, एज अ हॉबी डेवलप कर सकता हूँ, और एटलीस्ट इससे मेरे को संतुष्टि मिल जाएगी कि मैं लोगों से बात कर पाऊंगा, मैं उनके सामने अपनी बात रख पाऊंगा, अपनी फ्रस्ट्रेशन वीडियो में निकाल पाऊंगा। बिकॉज इन इंडिया आई थॉट लाइक उस टाइम मेरे दिमाग में है कि यार देयर इज अ बिग वॉइड, अगर आप बात करते हो टेक्नोलॉजी की, कि लोगों के पास में एक तो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, कई बार जो है मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है स्पेशली टेक के फील्ड में, एंड देन इंग्लिश कम्स एज अ बिग बिग बैरियर, कि अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आप हिंदी में पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको टेक पढ़ना है इट हैज टू बी इंग्लिश, आप बिना इंग्लिश टू नहीं पढ़ सकते, एंड इंग्लिश जस्ट एज अ वे टू एक्सप्रेस, उसके अलावा इंग्लिश में कुछ नहीं है ना, आप जो सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो ओनली दैट पार्ट इज इंग्लिश, बाकी तो बात आप हिंदी में भी कर सकते हो। तो आई थॉट कि व्हाई नॉट स्टार्ट समथिंग इन हिंदी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक चैनल देखा जहां पे हिंदी यूज करके जो चीजें वो हो रही है, तो मुझे लगा कि यार व्हाई नॉट आई स्टार्ट समथिंग इन हिंदी, जहां पे मतलब मैं एकदम टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन करूंगा, सम ऑफ माय नॉलेज आई हैव एक्वायर्ड, अगर मैं उसको इजी लैंग्वेज बना के कन्वे कर देता हूं तो मार्केट इज ह्यूज। इंडिया में कितने स्टूडेंट्स हैं, और साइंस तो सबको पढ़नी होती है बाय डिफॉल्ट, और ट्वेल्थ के बाद में इंजीनियरिंग वाले कितने स्टूडेंट्स, आज नहीं मिलेगा तो वो कल कभी नहीं आएगा, तो आई शुड हैव माय इन्वेंटरी रेडी, ताकि अगर कोई आता है बंदा तो उसको वीडियोस मिले, उसको कंटेंट मिले। तो डेली एक वीडियो के हिसाब से मैं स्टार्ट कर दिया, एंड माय रूटीन वाज समथिंग कि जहां पे जब मैं सुबह उठता था उस टाइम पे वाला उस टेकिंग में शार, मैं सोचता था कि यार आज का वीडियो किस टॉपिक बनेगा, मतलब नो प्री प्लानिंग, ऐसा नहीं है कि मैं उसके ऊपर टाइम लगा रहा। मैंने सुबह जाते टाइम सोचा कि यार आज वीडियो किस टॉपिक पे अच्छा है, चार आइडियाज हैं, एक के बारे में मेरे को अच्छा अच्छा आता है, पूरा पूरा आता है, दूसरे वाले के बारे में आता तो है लेकिन इमोशन की ऑडिटिंग थोड़ा उसको प्रेशर करना पड़ेगा, या तीसरे जो है वो मार्केट में भी हॉट चल रहा है, या फिर पब्लिक की डिमांड इस चीज की, तो मतलब उन 3-4 आइडियाज में से कोई ना कोई एक आइडिया फाइनलाइज हो गया 10 मिनट के अंदर अंदर नहाते नहाते। बाहर जब मैं निकला ऑफिस के लिए उसके बाद रेडी हुआ, तो अपने मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा से सामने 150 रुपए का ट्राइपॉड लगा के मैं शूट कर रहा हूँ। नाउ दिस इज अगेन एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, जहां पे मैंने यूट्यूब में आज तक चवन्नी भी इन्वेस्ट नहीं किया, जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो। क्यों नहीं इन्वेस्ट किया, इसका एक रीजन है कि लाइक भाई मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे को मालूम है कि मैं अपनी मेहनत की कमाई या मैं अपना जो पैसा जहां पे मैंने जेन्युइनली अच्छा वाला काम करके पैसा बनाया है, वो पैसा मैं दांव पे कैसे लगा लूं, और दांव पे भी यूट्यूब पे मेरे सिर्फ शौक के लिए, जबकि रिटर्न मेरे को गारंटी नहीं है। आज अगर 50,000 का 1 लाख का कैमरा खरीद के चैनल स्टार्ट करता हूँ तो आई विल ऑलवेज लुक फॉर दैट 1 लाख रिटर्न, कि वो 1 लाख मेरे को वापस कब मिलेंगे, लेकिन अगर मेरा इन्वेस्टमेंट जीरो है तो जो भी आ रहा है वो सब रिटर्न ही तो आ रहा है। तो मैंने अपने मोबाइल फोन से स्टार्ट किया और वीडियो बनाना स्टार्ट किया, और डेली सुबह एक वीडियो बन रहा है, एंड टिल डेट एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन वीडियो ना आया। ये बात है अक्टूबर 2015 से लेके आज तक की, ऑलमोस्ट 2 साल 2 महीने, एंड सिंस ऑलमोस्ट लास्ट अक्टूबर मतलब करीब 1 साल 2 महीने दिन के 2 वीडियोज आते हैं, और अभी जब मैं सुबह यहाँ पे आया हूँ तो वीडियो बना के आया हूँ, यहाँ से जाऊँगा तो रात वाला वीडियो भी बना लूंगा। एंड नाउ दिस रूटीन इज काइंड ऑफ फूड, मतलब कि 5 साल तक आपको अपनी जड़ें मजबूत करने में लगी, देन यू नो कि वो ओवरनाइट कभी होती नहीं है, वो ओवरनाइट सक्सेस इज जस्ट एन इमेजिनरी वर्ड, नो सक्सेस इज ओवरनाइट, वो टाइम लगा के होती है। तो मेरे साथ में मैंने वो बैम्बू ट्री वाली स्टोरी थोड़ी बहुत इंप्लीमेंट करी है अपने ऊपर, कोशिश करी है कि जो मैं काम कर रहा हूँ जस्ट कीपिंग काम डूइंग माय स्टफ, रिजल्ट्स विल कम एंड दे आर कमिंग, उस केस में यू नीड नॉट टू बी डिस्ट्रैक्टेड कि बीच में कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। एंड एक जो हम बोलते हैं ना कि आपके पास में अगर सोचना है, अगर आपके पास में कोई आइडिया ही है, तो अगर रिलेटेड से हम सोचते हैं कि यार हम इतना बल्ब बनाएंगे ऐसा या बल्ब की फैक्ट्री लगाएंगे, तो यार जब सोचना ही तो बड़ा सोचो ना, फिर वो बल्ब भी सोचते हो, फिर तुम और कुछ बड़ा सोचो ना, मतलब हमको जब सोचना ही है तो फर्स्ट स्टेप इज थिंकिंग, तो व्हाई थिंक स्मॉल, थिंक समथिंग बिग। तो ऐसे केस में आज की डेट में ना लाइफ में आप सभी के पास आइडियाज होंगे ना, बहुत सारे आइडियाज होंगे ना। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको लाइफ में बिजनेस करना है, तो यू माइट से कि हाँ करना है, और मैं आपसे पूछता हूँ कि आइडियाज क्या है, तो आप मेरे को अभी 10 नाम गिना दोगे कि यार मैं सोचता हूँ कि इसकी फैक्ट्री लगा लेता हूँ, या सोचता हूँ कि ये आइडिया लगा लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, आइडियाज आर वेरी इजी, इंप्लीमेंटेशन इज हार्ड। आइडियाज उसके पास में 15-15 आइडियाज है, गांव रिक्शा वाले के पास में पूछो वो आपको बताएगा इंस्टेंटली 10 चीजें कि सरकार अगर 10 से 10 काम करे तो भारत सफल हो जाएगा, लेकिन इम्प्लीमेंट करने का बोले उसको तो अगर उसको बोले इम्प्लीमेंट करने का वो बैकअप कर जाएगा, वो सोचेगा भी नहीं कि मैं आगे इम्प्लीमेंट करूं। हेलो, तो अगर आप उसको पूछते हो आइडियाज तो ही गिव यू प्लेंटी, एक सेकंड में 10 नई स्कीम ये कर दे सरकार, वो कर दे, या फिर हम ऐसा कर ले, लोग ऐसा
नहीं. सेम थिंग गोज यू ऑल बीइंग इंजीनियर्स. अभी यहाँ पे फर्स्ट ईयर कितने लोगों को हाथ लगा करना. ओके सेकेंड ईयर थर्ड एंड फाइनल ईयर. ओके तो बेसिकली फर्स्ट ईयर सबसे ज्यादा है, उसके बाद में प्रमोशन में कम हो रहा है. तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था पहले अबाउट स्किल्स. इंजीनियरिंग कर लिया, बाहर निकल गया कॉलेज से, डिग्री मिल गई आपको, कोई ऐसे पूछता है कि आपने क्या किया है तो आप बोल दोगे ना मैंने यार इंजीनियर. कोई अगर आपसे ये पूछे कि आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तो जवाब होगा व्हाट यू कैन डू एक्चुअली. इंजीनियर हो मानिए सर, आपने डिग्री ली होगी, आप कर क्या सकते हो. एनीवन्स पॉसिबल कि मैं इस मोटर की वाइंडिंग कर सकता हूँ एकदम परफेक्ट तरीके से, मैं खराब कंप्यूटर को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ परफेक्ट तरीके से. आपके पास में क्या ऐसा एक को जवाब होगा, अगर अभी है तो बता सकते हो. एक एनी स्मॉल थिंग आपने इंजीनियरिंग करी है, दैट्स गुड, बट आप कर क्या सकते हो, व्हाट यू लर्न, आप क्या इंप्लीमेंट कर सकते हो. अगर आपके पास में जवाब नहीं है देन यू आर मिसिंग समथिंग. अगर वो जवाब को मिल जाएगा देन यू विल डू क्रेजी, आप कुछ भी कर सकते हो. बट दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एट टाइम्स इन इंडिया स्पेसिफिकली. आई थिंक कि हम चीजों को लेते हैं जस्ट एज अ क्वांटिटेटिव थिंग कि हाँ ठीक है, ही इज एन इंजीनियर, सो व्हाट, वो कर क्या सकता है भाई, उससे वो पूछो. इंजीनियर में वो फिर बाकी पास में डिफरेंस क्या बच जाएगा अगर वो ये ना बोल पाए कि मैं ये काम कर सकता हूँ. तो जस्ट आइडेंटिफाई दैट व्हाट. अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो यू हैव एक्सेप्ट विद यू कि हाँ मैं इस चीज के साथ में आई कैन स्टार्ट समथिंग डे वन से. आज अगर आपको आता है कंप्यूटर रिपेयरिंग तो आप डे वन से इंजीनियरिंग के बाद में कंप्यूटर रिपेयरिंग का अपने नया स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो. आइडियाज आर प्लेंटी देयर, लेकिन अगर आपको यही नहीं मालूम है कि आपके अंदर क्या खास बात है या क्या टैलेंट है या क्या इंटरेस्ट है तो हम काम कैसे करेंगे. एंड टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट, आपको मालूम है कि आपका क्लियर इंटरेस्ट क्या है इसमें, एकदम क्लियर कि मतलब ये चीज तो मेरे को मतलब इतनी पसंद है कि मैं इसके लिए कुछ भी करूँ. और अगर नहीं है तो डू यू नो हाउ एक्चुअली टू फाइंड इट कि आपका रियल इंटरेस्ट क्या है या किस चीज के लिए आप जान लगा सकते हो. डोंट नो द आंसर कि कैसे पता लगाएं. मेरे को भी मालूम है कि कैसे मतलब एक टाइम पर अभी ब्लैंक था बीच में और ब्लैंक वाले बिजनेस करते हैं कि यार समझ ही आता ना. मतलब लोग बोलते हैं कि वो काम वो करो जो आपको पसंद हो, जिससे आपको प्यार हो, बाद में आपको कभी काम नहीं करना पड़ेगा. मतलब जो भी किताबी बातें हैं, किताबी नहीं है एक्चुअली, वो रियल है. लेकिन समझ में ये नहीं आता हमको कि हमको काम करना क्या है, हमको काम पसंद क्या. आज अगर सर पढ़ा रहे हैं यहाँ पे तो ही लव्स टू टीच, इसलिए वो पढ़ा रहे हैं. अगर जबरदस्ती पढ़ाने का बोलोगे तो दो साल पढ़ा रहे हैं लेकिन उसके बाद में लाइफ लॉन्ग अभी तक वो नहीं पढ़ाते रहेंगे. तो यहाँ पे अगर आप ये आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि आपका रियल पैशन क्या है, इट्स ओनली वन स्मॉल क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ कि वो ऐसा कौन सा काम है जो मैं लाइफ टाइम कभी भी दिन रात किसी भी कंडीशन में कहीं पे भी कर सकता हूँ अगर मुझे पैसा नहीं मिले तो भी, फॉरएवर पैसा नहीं मिले तो भी. यू कैन फाइंड एन आंसर उस क्वेश्चन के लिए, दैट्स योर इंटरेस्ट. आज अगर मैं मैम से पूछूंगा तो मैम शायद फ्री में पढ़ा सकती हैं, शाम को पूछो सड़क चलते को सवाल तो उनका जवाब मिल जाएगा सामने से, क्योंकि शी लव्स टू यू नो शेयर नॉलेज, उनका वो इंटरेस्ट है इसलिए वो उस काम में आई है. आज अगर आप मुझसे बात करोगे तो आप मेरे को रात को 2 बजे ना कि नींद में भी हो, पार्टी से बाहर निकलो और मेरे से बात करो, मैं आपसे सारा रात बात कर सकता हूँ आइडियाज से, बिकॉज आई लव टू एक्सप्रेस. तो ऐसे में अगर आप एक सवाल का जवाब ढूंढ सकते हो कि वो कौन सा काम है कि जो मेरे को तनख्वाह नहीं मिलेगी मैं तो भी कर लूंगा, पैसे नहीं मिल रहे तो भी कर लूंगा, दैट्स योर इंटरेस्ट. और अगर आपको उसका जवाब मिल गया उसी को काम करो, फिर उसी में ही काम करो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैसे, छोड़ दो, जो काम अगर आप करते हो ना वो हो जाता है. उसके लिए यू नीड नॉट टू रीड अ बुक, कोई किताब या कोई आपको रेसिपी बना के देगा और उससे काम बनता होगा ऐसा नहीं है. अगर ऐसा बनता होगा तो वो किताब बिकेगी भरपूर मात्रा में. You just need to think something genuine with full ethics. That was the great point here. अगर ethics नहीं है तो काम वो भी नहीं होगा. तो if you are genuine enough, if your thought is genuine enough, no need of me or anyone talking in front of you. हम कई बार क्या होते हैं मालूम है, सवाल पूछते हैं जिसका आंसर को खुद को मालूम होता है. आज की डेट में आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो at times while feeling low YouTube पे जाके motivation videos देखते होंगे ना. सब लोग देखते हैं, आप भी देखते होंगे शायद कभी कभी या कभी रेफरेंस होंगे तो कोई देख के लाइक वी फील पम्प्ड अप. वी ऑलरेडी नो द कंटेंट, हमको मालूम है कि वो ये बोलेगा डरो मत घबराओ मत आगे बढ़ो ये होगा सच बोलो ये करो काम करो, वो ही कंटेंट हमको मालूम है पहले से. स्टिल वी वुड सी दैट वीडियो बिकॉज हमको लगता है कि यार जब तक कोई और हमको ना बोले हमको समझ में नहीं आएगा. इस केस में ऐसा नहीं है, डोंट वेट फॉर एनीवन एल्स टू कम इन एंड गिव यू सजेशंस, बिकॉज सजेशन तो सभी देंगे लेकिन इंप्लीमेंटेशन कोई नहीं करेगा. तो ऐसे केस में जस्ट गो अहेड विद फुल फोर्स एंड ऑल द बेस्ट टू यू. आप सभी जो हो वो मुझे मालूम है एंड आई नो आर देखो यंगर्स आर ऑलवेज स्मार्टर. तो ऐसे केस में जब मैं आपकी जगह पे था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में तो शायद मैं इतना स्मार्ट नहीं था जितना स्मार्ट आज आप हो, और जो आपके जूनियर्स हैं वो आपसे भी और स्मार्ट निकल के आने वाले हैं.
तो ऐसे में यू आर लकी वंस कि आज की डेट में द फ्रेश क्रॉप कमिंग आउटसाइड यू आर द वन एंड आपके पास में सबसे कमाल पोटेंशियल है, जस्ट गो एंड डिलीवर, दैट्स ऑल। एंड जस्ट टू एड, एक दो हाथ यहाँ पे थे, एक दो हाथ यहाँ पे थे, ओनली दिस फोर गाइज आर अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस। अगर किसी और का है तो हाथ उठा दो, मैं बात को देखूंगा, जिसका मेरा मूड करेगा मैं उससे क्वेश्चन पूछ लूंगा। ओके द वन इन द लास्ट, या ऐसा नहीं है मेरे भाई। सी द थिंग इज, अगर आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, देन दैट्स नॉट गोना वर्क। अगर आप जो है वो पढ़ाई कर रहे हो दैट यू कैन एक्चुअली इंप्लीमेंट समथिंग, लेट्स अज्यूम कि आज की डेट में आप अभी इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंजीनियरिंग के अंदर आपके कितना सब्जेक्ट सामने आता है जो एकदम बकवास का सब्जेक्ट है, पता नहीं क्यों मिस्ट्री में लगा दिया सिलेबस में, इसका कोई रोल नहीं है, डोंट फोकस ऑन दैट। उसे पास हो जाओ, चलो ठीक है फेल हो है तो पास हो जाओ, अपना जो एनर्जी या ब्लेसिंग का जो भी पढ़ाई अगर आप कर रहे हो उसमें इफ यू आर हिटिंग द राइट थिंग्स दैट्स रिक्वायर्ड फॉर श्योर। आज एक हम बोलते हैं कई बार की हो गए स्टडीज आर नॉट रियली रिक्वायर्ड, आप बिना पढ़ाई के भी कर सकते हो, बट देयर आर सम। Hello sir, I wanted to ask about the YouTube stuff that you do. Let us think question hai to main short mein puchta hu. Aap jo reviews wagera karte ho usme resources aap kaise use karte ho? Okay. Ye kabhi DJI ka kiya aapne? Samajh gaya. Okay. Wo cheez and dusra hai ki aap jo printers se apne subscribers ke bich mein ki bada subscribers kaise badhana hai and printers zyada kaise create kar sakte ho. Teesra cheez hai ki aap collaborations kar rahe ho kisi Mumbai ke Nikhil ke saath wagera. ओपिनियन वीडियोस इन इंडिया, लेट्स से प्रोडक्ट आता है मार्केट में, मेरे पास उसके एक्सेस नहीं है, मे बी बजट नहीं है, मे बी अवेलेबिलिटी नहीं है, व्हाटएवर द रीजन